हेलो एवरीवन, सी लैंग्वेज में असाइनमेंट ऑपरेटर को हम कैसे यूज करते हैं, आज उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर किसे कहते हैं उसको समझ लीजिए। असाइनमेंट में क्या होता है, इनका प्रयोग किसी वेरिएबल में वैल्यू देने के लिए करते हैं। और वैल्यू देने से मतलब क्या है, इसका जो सिंटेक्स है वो ख्याल रखिएगा। वेरिएबल दीजिएगा, इक्वल टू करिएगा एक्सप्रेशन डिवाइड बाय वैल्यू। जैसे क्या, देख लो ध्यान से, यहाँ प्रोग्राम है इंक्लूड डॉट इंक्लूड स्टडी यू डॉट एच और कोन्यू मेन लगाया और एन डी, जैसे सिंपल प्रोग्राम आप लिखते हो। एक्स इक्वल टू 15 दिया आपने, ठीक है। अब यहाँ पे इस मान को प्रिंट करो यहाँ पे, ठीक है, प्रिंट किया। अब लिखो कि एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 10, यानी क्या, पहले जो इसका पहला वाला मान है वो प्रिंट हो, फिर उसमें क्या हो जुड़ करके दूसरा मान प्रिंट हो जाए, ठीक है। इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। मतलब क्या है कि जैसे लिख दिया जाए इसका उल्टा होता है, जैसे कैसे ना, x प्लस 1 होता है, ठीक है, ये x प्लस 1 है, तो इसमें क्या हो जाता है कि इसका विपरीत हो जाता है, सिंपल सा इसका रिजल्ट इधर आ जाएगा, ठीक है। मतलब क्या, जैसे हमने x दिया यहाँ पर, एक बार फिर समझ लीजिए, x दिया, x में हमने 15 मान दे दिया 15, और इसको हमने प्रिंट करा दिया, देखो इसका आउटपुट भी 15 प्रिंट होगा। अब ये लिखेंगे x इजिकल टू x प्लस 10, यानी इसमें 10 जुड़ भी जाए तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 25। तो चलिए इसका हम प्रोग्राम बना के देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास है टर्बोशी, हम टर्बोशी पे एक प्रोग्राम बनाएंगे, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने फाइल पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक करके हमने ओपन कर लिया। हम यहाँ एक प्रोग्राम लिखते हैं, लिखा हमने इंक्लूड इंक्लूड स्टडियो डॉट एच, और यहाँ पे जैसे आप हमेशा लिखते हो इंक्लूड कोनियो डॉट एच, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या जो हम लिखते हैं हमेशा से, मेन ओपन क्लोज, और आपको पता है मिडिल ब्रेसेस में हम लिखते हैं पूरे जितने भी हमारे पास प्रोग्राम होते हैं, क्योंकि प्रोग्राम का एक्सक्यूशन यहीं शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन था कि प्रोग्राम का एक्सक्यूशन कहाँ से शुरू होता है, तो ख्याल रखना प्रोग्राम का एक्सक्यूशन मेन फंक्शन के अंतर्गत से शुरू होता है ना, अंदर। अब हम लिखेंगे x इजिकल टू 15 हमने दिया मान इसमें, और हम दिया, देखो यहाँ लगाएंगे सेमी कॉलम क्योंकि इसमें हमें क्लोज करना था, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा हमने प्रिंटर ओपन क्लोज, हमें इसका इसके मान को प्रिंट कराना है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर परसेंटेज डी, क्योंकि ये देखो ये इंटीजर वैल्यू है, तो इंटीजर वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए हम यूज करते हैं परसेंटेज डी, और हमने लगाया कॉमा एक्स की वैल्यू, एक्स हमने ऐड कर दिया, इंटर करेंगे। अब देखो अब दूसरा स्टेटमेंट हो जाएगा एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 10, जो पहले प्रिंट हो जाएगा 15 प्रिंट होगा, जैसे मैंने दिखाया था रिजल्ट में 15 प्रिंट होगा। अब दूसरा जो स्टेटमेंट हम जो लिख रहे हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा मान प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया 10, इस मान को प्रिंट कर देते हैं, हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, परसेंटेज लिख दिया हमने, और इसको कॉमा लगा करके हमने लिख दिया यहाँ पर x, इंटर प्रेस करेंगे, और हम यहाँ पे गेट कैरेक्टर लगा देंगे, गेट कैरेक्टर भी बोलते हैं इसको हम लोग। इसको सेव करना है, देखो फाइल पे क्लिक किया और सेव, देखो सेव का शॉर्टकट की क्या होता है F2, हमने लिख दिया असाइनमेंट का असाइनमेंट डॉट सी, इंटर किया। अब इस चीज को रन कराना है, अब रन करा लो, प्रॉब्लम होगा प्रॉब्लम भी दिख जाएगा, कंट्रोल F9 किया, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे आपने जो रॉन्ग स्पेलिंग मिस्टेक किया है, ठीक है, उसको सही करिए। तो एक चीज देख लेते हैं यहाँ पे क्या रॉन्ग मिस्टेक है, ओके सॉरी, वहां पे मिस्टेक था स्पेलिंग का इंक्लूड, इसको रन करा लेते हैं कंट्रोल F9। अब यहाँ पर देखो वैल्यू आ गई, इसी से काम करते हैं हम, पहले से हमने ऑलरेडी कुछ रिजल्ट प्रिंट किया था, तो उस चीज को हमें क्लियर करने के लिए CLR SCR का इस्तेमाल करना होगा फंक्शन का। अब इस चीज को रन कराएंगे कंट्रोल F9 के, अब देखो यहाँ लिखा है कुछ गार्बेज वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना, ऐसे दिख रहा है आपको गार्बेज वैल्यू, नहीं ये गार्बेज वैल्यू नहीं है, वो एक साथ प्रोग्राम दिख रहा है 15 और 25, ठीक है। क्या मतलब है, अगर इस चीज को हम यहाँ पे न्यू लाइन ऐड कर दें तो कैसा होगा प्रोग्राम, प्रोग्राम आपको समझ में आ जाएगा, हमने किया एन, ठीक है, और इसमें भी हमने कर लिया एन न्यू लाइन के लिए,
आप देखो ध्यान से इसको कंट्रोल एफ नाइन करेंगे आपको दिख जाएगा, ठीक है। पहले 15 प्रिंट होगा, फिर उसके बाद 25 प्रिंट होगा, ठीक है। आपको ये प्रोग्राम अगर समझ में आया हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं अगर आपके पास कोई क्यूरी हो, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।